थोड़ा सा इसका साउंड सभी माइक को चेक कर लें। और हमारे पिता तुल्य घंटी वादक जी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर घंटी बजाते हुए हमारे समिति के सदस्य। भैया चाटी का थोड़ा बस खोल दे। आप देखिए समिति निर्देश अनुसार रामचरितमानस से कथाएं बिल्कुल क्रमबद्ध कहना क्या है देखिए। कहना क्या है क्या कि जिसके सर पर काल आ जाए मौत घेर लेती है। और माता जानकी के दरबार योगी बैठे देखिए बिल्कुल लाइन से लगी हुई कथा। क्या बात है। राम और लक्ष्मण मिर्गा के पीछे भाग जाते हैं और आगे मंडल ने बता दिया है मिर्गा आवाज देते ही सुनती सीता माता जानकी कहने लगती कि लक्ष्मण भैया आपको जाना पड़ेगा, आपका भाई विपत्ति में है, दुख में फंस गए हैं, इसलिए नहीं मानते फिर भी उनको मजबूर कर देती है
माता जानकी लक्ष्मण चले जाते हैं भगवान की खोज में। इधर क्या होता देखिए, रावण अपनी चाल पर चाल चलकर माता जानकी राम भगवान की कुटिया में आ जाते हैं। देख लेते हैं कि भैया अब यही मौका मेरे हाथ में है। अरे झिकझक देखे दूत देखे झोली पसारे द्वार पे माता जानकी कहने लगी, अरे जोगी आपको भिक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं, पर आप अंदर आ जाओ, मैं बाहर नहीं जा सकती। जैसे ही रावण रेख के अंदर कदम बढ़ाता है अग्नि लहरा जाती, घबरा जाता है, फिर सोच में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना होगा, अगर ये नारी बाहर नहीं आई तो मैं ले जा नहीं पाऊंगा। क्या कहना देखिए, झिकझक देखे दूत देखे झोली पसारे द्वार पे माता कहने लगी, अरे जोगी ये तो बता क्या, जोगी ये तो बता सोचता है तू क्या, जोगी ये तो बता सोचता है क्या, बता आपको ही आना होगा, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी, मैं मेरे देवर की बंधन में हूं। रावण कहने लगता है, हम जोगियों को अब अगर आप भिक्षा नहीं दोगे तो मिर्गा ने आपके पति पर वार कर ही दिया है, और मैं शराब दे दूंगा तो आपके पति खत्म हो जाएंगे। माता घबरा जाती है, क्या कहना देखिए, जोगी ये तो बता सोचता है, जोगी ये तो बता सोचता है तू क्या, जोगी ये तो बता सोचता है तू क्या, होता देखिए। माता जानकी भिक्षा लेकर बाहर आ जाती है, और इधर रावण सीता माता को पकड़ लेते हैं। आगे क्या कहना देखिए, अरे धोखा किया है, अरे धोखा किया है, हेलो 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 हेलो, धोखा किया है जोगी बनकर, क्या बड़ा ही मेरे साथ में,
माता कहने लगती हैं, अरे फसे बेटी, अरे फसे बेटी रावण तेरी जा, अरे फसे बेटी, अरे फसे बेटी रावण तेरी जा, आगे क्या होता है। रावण अपने विमान पर बिठा लेते हैं सीता माता जी को और आसमान से उड़ते हुए चले जाते हैं। सीता माता रोती बिलखती सहायता के लिए पुकारती, क्या कहती देखिए, ये साथ था जन्म जन्म का कैसे बिछड़न हो गया, अब कैसे जिएंगे भगवान जीना दुश्वार हो गया। सीता माता कहती हैं, वने ना लाते तो अच्छा, अरे मिर्गा ना मार दे तो अच्छा था, रोती बिलखती सीता माता कहती है, अरे वन में लाके सजना, हम तो पराई हो गए, वन में लाके सजना हम तो पराई हो गए, वन में लाके सजना हम तो पराई हो गए, वन में लाके सजना हम तो पराई हो गए, वन ना ला अच्छा था।
को पराई कर दिए। आगे देखिए, हेलो, आपका समय समाप्त होता है।